मेरे पास है मिनिमलिस्ट का ये रेटिनॉल सीरम, मैंने इसको प्रॉपर 1 मंथ यूज किया है, और 1 मंथ यूज करने के बाद मैं आज आपको इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में तो बताऊंगी साथ में बताऊंगी कि 1 मंथ होने के बाद मुझे इस प्रोडक्ट से क्या अच्छे रिव्यूज मिले, मेरी स्किन पे ये सूट होना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, साथ साथ में मैं बताऊंगी कि आपको इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि रेटिनॉल को यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। कोई भी अगर रेटिनॉल स्टार्ट करता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं अपने पर्सनल रिव्यू से आपको हेल्प करूंगी आपका रेटिनॉल चूज करने में। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलते हैं बहुत अच्छे-अच्छे से प्रोडक्ट्स के रिव्यू, जो आपको हेयर स्किन केयर रूटीन में आपको हेल्प करते हैं, जिससे आप अपनी स्किन और अपने हेयर का बखूबी ध्यान रख सकते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूं जो बहुत मोस्ट टारगेटिंग टॉपिक है, वो है रेटिनॉल सिरप। मेरे पास एक बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो कि मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल है, इसको खूब हाइप मिली हुई है, खूब इसको लोग यूज कर रहे हैं, बट इसके मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो वो वही कमेंट थे जो मेरे साथ एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम्स हुई। क्या प्रॉब्लम्स हुई, कैसे उसका सलूशन निकाला जाए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये पूरा टॉपिक मैं कवर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट वाइज, ताकि कुछ भी मिस ना होने पाए, एंड तक की आप बने रहें, हो सकता है कहीं एक पॉइंट आपसे रिलेटेड हो। जब सबसे पहले मैंने रेटिनॉल परचेज किया तो ये 0.6 था, जो कि एक बिगनर के लिए थोड़ा सा हाई हो जाता है। जब भी आप बिगनर हैं, यानी कि रेटिनॉल फर्स्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं, कम से कम वो 0.1 या 0.3 ही होना चाहिए, और ये आपको क्वांटिटी मिल जाएगी रिकिल के रेटिनॉल क्रीम में। रिकिल का रेटिनॉल क्रीम 0.1 से स्टार्ट होता है, और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं, जब मैंने इसको यूज किया तो कैसे 0.6 मुझे अच्छे से सूट होना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ उस पे। देखिए, रेटिनॉल जब भी आप यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसके साथ क्या नहीं यूज कर सकते हैं, इस पे बखूबी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ कोई भी आप पीलिंग सॉल्यूशन नहीं यूज कर सकते, पीलिंग एसिड नहीं यूज कर सकते हैं, लाइक विटामिन सी, लाइक आहा बाहा, साथ में किसी भी तरह का कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसी क्रीम जो आपकी स्किन को पील करती हो। आप समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह का पीलिंग एसिड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि रेटिनॉल अपने आप में ही एक पीलिंग एसिड है। अब हम बात करेंगे किसे इसे यूज करना चाहिए, एज ग्रुप क्या होना चाहिए। रेटिनॉल का यूज आप सभी 25 के बाद अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, और आपकी स्किन में एक ब्राइट कॉम्प्लेक्स को भी इनहेंस करता है। ये सारी खूबियां तो रेटिनॉल में हैं, लेकिन रेटिनॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कितना भी कम लेवल का हो, यानी कि 0.1 भी है, तो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। वो प्रॉब्लम्स क्या है, आइए जानते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में। पहली प्रॉब्लम है आपको इचिंग होगी, दूसरी प्रॉब्लम है आपको रेडनेस होगी, तीसरी प्रॉब्लम हो सकता है छोटे छोटे से आपको पिंपल्स या फिर फेस पे एक्ने जैसे मार्क्स आ जाएं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जब भी आप रेटिनॉल यूज करना स्टार्ट करते हैं, आपको इससे छुटकारा मिलना ही नहीं है। अगर आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वीक में आपको ये प्रॉब्लम रहेंगी। आप कैसे जानोगे कि रेटिनॉल आपकी स्किन के लिए बना है या नहीं बना है, क्योंकि सबकी स्किन रेटिनॉल फ्रेंडली नहीं होती है। तब आपको सिर्फ एक काम करना है, 3 वीक्स यानी कि आप अप्रॉक्स मान के चलिए 1 मंथ तक की आपको एक अच्छा रेटिनॉल सीरम कम पीएच का लेना है, उसको यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं फिर से रिकमेंड कर रही हूँ कि 0.1 to 0.3 तक की आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, वो किसी में भी है। मुझे रिकुल की क्रीम में मिला तो आपको मैं वही रिकमेंड कर रही हूँ, बट आपको 0.1 to 0.3 में कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम मिलती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 1 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपके लिए रेटिनॉल नहीं है, आप उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए। स्टार्ट करने का बेस ये होना चाहिए कि जब भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं तो पहले हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करिए, फिर दूसरे हफ्ते में 3 बार यूज करिए, और इसको 3 से 4 बार बिल्कुल भी मत करिए। हफ्ते में 3 बार का मतलब है 1 दिन के गैप में ही आप इसको यूज करिए। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलर रेटिनॉल यूज करते हैं तो आपकी स्किन पील होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। रेटिनॉल को यूज कर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कुछ अच्छे सनस्क्रीन यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेली रूटीन के लिए। लाइक मैं आपको बताऊंगी, एक रिक्विल की क्रीम ले सकते हैं आप, कलर बार का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, दूसरा एक बायोटेक का सनस्क्रीन, बहुत अच्छा है, बहुत बजट फ्रेंडली है, और मैं बहुत लोगों
लोगों को इसको रेकमेंड भी कर चुकी हूँ। और इस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन, मुझे उससे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो ये सनस्क्रीन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। चारों की चारों सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम बात करेंगे और क्या प्रॉब्लम होती है रेटिनॉल के लिए। रेटिनॉल कभी भी वेट स्किन पे नहीं लगाना चाहिए कि मतलब आप फेस वॉश करके आए, आपने अपना फेस पूरी तरह से सुखाया नहीं और आपने रेटिनॉल यूज कर लिया। इससे क्या होगा, जो वाटर का लेबल है और इसका जो एसिड है वो आपस में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि वाटर में हाइलुरोनिक एसिड होता है। और जब ये होएगा तो आपका जो स्किन है हो सकता है रिएक्ट कर जाए। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट क्यों चांस लेना। अपनी स्किन को पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए, पूरी तरह से, इवन वाटर का एक ड्रॉप भी आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। जब आपकी स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद आप ये रेटिनॉल का सिर्फ 5-6 ड्रॉप ही यूज करिए। ये नहीं भर भर के रेटिनॉल लगा लिए और आपकी स्किन पील होना स्टार्ट हो गई। तो बहुत कम क्वांटिटी में रेटिनॉल को यूज करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपकी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। देखिए रेटिनॉल हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी भी एज 25 क्रॉस कर गई है उन सबको रेटिनॉल बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी एज से हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स और भी ज्यादा एजिंग की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखें और आप बहुत अच्छे से रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन रेटिनॉल को एक्सेप्ट करती है, आपकी स्किन रेटिनॉल फ्रेंडली हो जाती है, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत सारे सीरम से छुटकारा मिल जाएगा। इसको कब यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप इसको डे में यूज नहीं करिए। रेटिनॉल सिर्फ और सिर्फ नाइट के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि नाइट में ना तो हमारी स्किन डस्ट में जाती है, ना पॉल्यूशन में जाती है, ना सन रेज में जाती है, ना तो हमारा बार बार हाथ जाता है हमारी स्किन पे। उस कंडीशन में नाइट बेस्ट ऑप्शन है आपके रेटिनॉल सीरम के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी रिजल्ट के लिए ज्यादा क्वांटिटी में रेटिनॉल यूज कर लेते हैं, बार बार रेटिनॉल यूज कर लेते हैं, कंटिन्यू रेटिनॉल यूज कर लेते हैं, तब उनकी स्किन बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाती है। फिर वो कहते हैं इन्फ्लुएंसर उनको गलत चीजें बताते हैं और इसी कंडीशन में आप सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एसिड कोई भी यूज करिए, मैं अपने हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, कोशिश करिए कि उसको 1-2 के गैप में ही यूज करिए, क्योंकि हमारी स्किन एसिड फ्रेंडली नहीं होती है। एसिड एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना होता है जो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये रहा मेरा रेटिनॉल का बहुत अच्छा सा एक नॉलेज, एक रिव्यू जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ गेन किया। आप सबको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आई होप। और आप सभी जो भी 25 क्रॉस कर चुके हैं वो अपनी स्किन को 25 क्रॉस बिल्कुल भी मत होने दीजिए और उसे बहुत यंग और यूथफुल बना के रखिए। बाय बाय।